बिना अनुमति रैली करने के मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। बीजेपी सांसद ने दिया था विवादित बयान। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में विश्व हिंदू परिषद के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस रैली के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिलशाद गार्डन में आयोजित की गई इस रैली की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत रैली के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसी रैली में पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद परवेश वर्मा को भी एक कथित वीडियो में ये कहते हुए दिखते हैं कि हमें इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा, यही एकमात्र उपाय है। इनकी दुकान से सब्जियां खरीदना बंद करें, मेरे साथ कहो हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम उनकी दुकानों से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हम उन्हें रोजगार नहीं देंगे, बस यही करो, यही समाधान है। पुलिस ने कहा दिलशाद गार्डन कार्यक्रम की अनुमति नहीं लेने के लिए आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जहां कथित रूप से नफरत भरे भाषण दिए गए थे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर जनता का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पत्रकार निगार परवीन लिखती है, दिल्ली पुलिस ने विराट हिंदू सभा आयोजित करने वाले आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की, देखते हैं नफरती भड़काऊ भाषण देने वाले कब गिरफ्तार होंगे, जिसमे बीजेपी के सांसद व विधायक भी शामिल है। संजय कुमार नाम के शख्स ने ट्वीट में लिखा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ दिल्ली पुलिस नौटंकी करेगी। अगर आयोजक भाजपा नेताओं के अलावा किसी और पार्टी धर्म से होता तो अब तक तो देशद्रोह की धाराएं लग चुकी होती और सभी आयोजक अभी तक तो अरेस्ट हो चुके होते। फारूक मेमन नाम के शख्स ने लिखा, परमिशन नहीं लेने पर FIR दर्ज हुई है, भड़काऊ भाषण देने पर नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। संदीप सिंह नाम के शख्स ने लिखा, या तो तेजस्वी सूर्या की तरह इनको भी नहीं पहचान पाएगी दिल्ली पुलिस, और पहचान लिया तो कोमल शर्मा की तरह ढूंढ नहीं पाएगी। ये पहली बार नहीं है जब विहिप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, पहले भी जहांगीरपुरी दंगों के दौरान संगठन पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि कल के कार्यक्रम में भी विहिप के पदाधिकारी दिल्ली पुलिस को धमकाते हुए देखे गए थे, जिसमें विहिप दिल्ली के अध्यक्ष कपिल खन्ना को ये कहते हुए सुना गया था कि अगर वो अपना काम नहीं करते हैं तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।